नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आपको भारत और विश्व में हुई आज ही के दिन कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगी जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। आज के दिन 1882 में संक्रामक बीमारी टीबी की पहचान की गई थी। इसका पता लगाने वाले वैज्ञानिक को बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आज के दिन 1948 में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और AIMDM की पार्टी की प्रसिद्ध नेता जयललिता का जन्म हुआ था। इससे पूर्व वो 1991 से 1996, 2001 में 2002 से 2006 तक और 2011 से 2014 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही थी। राजनीति में आने से पहले वो एक अभिनेत्री थी और उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़, हिंदी एवं एक अंग्रेजी फिल्म में भी काम किया था। आज के दिन 2009 में केंद्र सरकार ने सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की थी। उत्पाद शुल्क या अबकारी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती है। आज के दिन 1961 में मद्रास की सरकार ने राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने का फैसला किया था। आज के दिन 2002 में कनाडा ने पुरुषों की आइस हॉकी स्पर्धा में 50 वर्ष बाद पहला स्वर्ण पदक जीता। कनाडा को आइस हॉकी का जनक माना जाता है। आज के दिन 2010 में भारत के करिश्माई बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया था। यह कारनामा करने वाले वह दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। आज के दिन अमेरिका ने 1960 में ओलंपिक हॉकी फाइनल में 9-1 से हराकर जर्मनी को हराया था। 1960 शीतकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर 8वां ओलंपिक शीतकालीन खेलों के रूप में जाना जाता है। आज के दिन एक्सप्लोरर 10 सन 1961 में पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा था। आज के दिन 1822 में दुनिया के पहले स्वामी नारायण मंदिर का अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ, जिसे ब्रिटिश काल में स्वामी आदित्यनाथ के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर को वर्मी टीक की लकड़ी से बनाया गया था। आज के दिन 1893 में अमेरिकी विश्वविद्यालय वॉशिंगटन DC में कांग्रेस के एक अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी। आज के दिन 1920 में जर्मन वर्कर्स पार्टी की एक बैठक में एडोल्फ हिटलर ने पार्टी के 25 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और पार्टी ने अपने मेटो नाजी पार्टी को बदल दिया था। आज के दिन श्रीदेवी का निधन 2018 में हुआ था। वे एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी ने 5 फिल्मफेयर पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। आज के दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक कानून बनाया गया था। देश में औद्योगिक विकास के केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विभाग ने करों का भुगतान आसान करने के लिए कर प्रणाली में सुधार किया और तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया था।